हम सबके मोहतरम व मोहतशम हामिद अंसारी साहब, उर्दू दुनिया के और शायरी के जगमगाते हुए कल्चरल आइकॉन जावेद अख्तर साहब, शबाना आज़मी साहिबा, उनेजा साहिबा, फरहान अख्तर साहब, संजीव सराफ साहब, कमल मुरारका साहब, ख़ानदान के तमाम अफराद और आप तमाम हाजरीन जो दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, जब हमारे मोहतरम हामिद अंसारी साहब हम पर मेहरबान होते हैं, उनका करम है, जलसे का वक़ार बढ़ जाता है, लेकिन हमारी सांसें रुकी रहती हैं। इसलिए कि जब सब कुछ कहा जा चुका हो हमारे जावेद अख्तर साहब ने, अब्दुल्ला साहब ने, और फिर उसके बाद जितने बेहतरीन अशार थे अभी बहुत और भी हैं, वो सब पेश किए जा चुके हैं, तो मैं बंदा ए गंदा, ये हेच मदान, बलोचिस्तानी, दहकानी, कजमज बयान, उर्दू का गैर अहले ज़बान, एक आउटसाइडर क्या अर्ज कर सकता है। तो बजाय इसके किबला कि मैं कुछ अर्ज करूं, मैं कुछ सवाल ही क्यों ना पूछ लूं आपसे। असीरे, अभी आपने शेर सुना, पूरी गजल सुनी, असीरे पंजाए अहदे शबाब, चार इजाफतें हैं, एक भी बर्दाश्त नहीं होती, और आम तौर से पहला मिसरा, मैं शर्तिया अर्ज करता हूं कि सरों पर से गुजर जाएगा। शेर सुनिए, असीरे पंजाए अहदे शबाब करके मुझे, हिंदी का वर्ब है, इसलिए कि हिंदी उर्दू दोनों में चोली दामन का साथ है, 70% उर्दू हिंदी है। असीरे पंजाए अहदे शबाब करके मुझे, अब दूसरा मिसरा शेर को कहाँ से कहाँ ले जाता है, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। और इस लफ्ज़ खराब के भी कई मानी है, वक्त नहीं है। खराबात मैं कदे को कहते हैं शराब पीने की जगह को, और खराब कहाँ, इंसान का जिंदगी का बेहतरीन जमाना शबाब है कि नहीं। शेर ने मुसर साहब के तगज़ुल ने उसे पलट दिया है। असीरे पंजाए अहदे शबाब करके मुझे, जवानी के हाथ में मुझे डाल के, कहाँ गया मेरा बचपन और उसकी मासूमियत, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे, क्योंकि इश्क में आदमी जलील और खराब ही होता है, तभी वो सच्चा होता है। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दीदार में जब दलीप कुमार के की जबान से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये सब जावेद अख्तर साहब ने लिखा, ये सब इन मालूमात के ज़िम्मेदार हैं, यानी मैं लफ्ज़ों को भी पढ़ता हूँ और लफ्ज़ों के बीच में जो खामोशियाँ होती हैं मैं उनको भी पढ़ता हूँ, जिसे बुज़ुर्गों ने क़िबला बैन सुतूर कहा है।
खामोशी ना हो तो लफ्ज बोल ही नहीं सकता, लफ्ज के मानी निकल ही नहीं सकते। और दीदार फिल्म में जब शकील बदायूनी शायर हैं, अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि उन्होंने मतला ले लिया, नहीं नहीं जानते हम। पुराने जमाने में अमूमन, आज भी कई शोरा पहले कथा पढ़ते हैं या रुबाई पढ़ते हैं या कुछ चलता हुआ शेर पढ़ते, उसके बाद यानी और तो और तरन्नुम में पढ़ने वाले भी पहले तहत में जितना बोर कर सकते हैं कर लेते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं लहन पर। ये मतला जब गुमशुदा है, शकील बदायूनी शायर है दीदार फिल्म का, क्रेडिट उसको गया, और मुस्तर खैर आबादी का नाम किसी को मालूम नहीं, और मतला जादू का असर कर गया है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दैट द टेक्स्ट इन आर्ट इज रेड विदाउट द सिग्नेचर्स ऑफ द फादर। बहुत सी गजलें हैं, बहुत से शेर, बहुत से कलाम आवारा गुमशुदा हो जाता है शायर से, क्या उसकी शायरी आगे नहीं जाती? क्या शायर का बेहतरीन तारुफ उसकी शायरी नहीं है? सबसे पहला नावल दुनिया का टेल ऑफ गिंजी, किसी को नहीं मालूम कि उसका मुसन्निफ कौन है। अलिफ लैला जो शाहकार है अरबी का, या किस्सा चहार दरवेश मीर अमन का जो उर्दू का मास्टरपीस है, नहीं मालूम कि उसका मुसन्निफ कौन है। सो ऐसे गुमशुदा मुसन्निफ को दोबारा जिंदा करना, उसकी बाज़याफ्त करना और 5 जिल्दों में उसमें बहुत सा कलाम ऐसा है, अभी मुझे वक्त देंगे क़िबला तो मैं अर्ज़ करूँगा कि क्या क्या चीज़ें उनकी गुमशुदा हो गईं लेकिन अवाम की ज़बानों पर ज़िंदा है। और अब मालूम होता है ये मुस्तर खैर आबादी का कलाम है। जावेद अख्तर साहब, मुझे हैरत होती है, आप साहेब कमाल तो हैं लेकिन जिस चीज को आपने सोना बना दिया, जिस चीज को आपने छू दिया, उसको आपने क्या से क्या बना दिया। मुस्तर खैर आबादी जिसके अशार लोग गाते फिर रहे हैं और आगे चल के मैं बताने वाला हूं, और जिक्र भी किया जावेद भाई ने, ठुमरियां हैं, दादरे हैं, ख्याल हैं, अरे ये संगीत कहां से आ गया, ये हिंदी शायरी कहां से आ गई, और उर्दू का बेशतर कलाम ऐसे ऐसे शेर हैं, कुछ सुनाए भी गए, और हैरत होती है कि आपने किस तरह इस तमाम कुलियात को, यानी 1927 में वफात होती है मुस्तर खैर आबादी की, 1976 में इनके वालिद मोहतरम जो मेरे दोस्त थे जानिसार अख्तर साहब की, और 1996 में दफ्ती का ये डिब्बा अपने सौतेले भाई बशीर के ज़रिए इनको बांद्रा से दस्तजाब होता है, जिसमें इन्होंने बताया वो धोबी का हिसाब है और ये और वो है, और उसके नीचे सुर्ख कपड़े में लिपटा हुआ एक कुलियात है या एक दीवान है जिसको जानिसार अख्तर ने जमा करने की कोशिश की होगी। और मुस्तर साहब से उनका कलाम न छप सका, वो पैदा हुए 1869 में और इंतकाल कर गए 1927 में, 58 बरस की उम्र कुल पाई,
एक दो मजमूए नातिया छापे, कलाम लोगों की जबान पर है, लोग गा रहे हैं लाइन से, वो भी एक छुपी हुई बात है। पहले मैं जावेद अख्तर साहब के लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जादू है तेरे दस्त हुनरमंद में कोई, जादू इनके बचपन का नाम है, इनकी वालिदा सफ़िया अख्तर इनको जादू कह के बुलाती थी। अरे जादू है तेरे दस्त हुनरमंद में कोई, हो जाती है दूसरे मिसरे पर गौर कीजिएगा, ज़रा मुश्किल तो है। और ये शेर बहुत मशहूर, कम लोग जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का शेर है और ग़ालिबन आप ही के लिए कहा है। जादू है तेरे दस्ते हुनरमंद में कोई, हो जाती है बेदार क़िबला, हो जाती है बेदार सोते में से जाग जाती है, ख्वाबीदा गिले कोजा, ये जो कुम्हार के चाक पर गीली मिट्टी रखी हुई है और कुम्हार सिर्फ इसको हाथ लगाता जाता है, चाक चल रहा है, चाक चल रहा है, और कूजे की ये खूबसूरत शक्ल निकल के आती है, तो क्या ये जादू नहीं है, ये मोजज़ा नहीं है जावेद अख्तर के दस्ते हुनरमंद का। और जावेद भाई, डरते डरते गुस्ताखी करता हूँ, अगर आप तहकीक व तदवीन करने लगेंगे और आप गुमशुदा कलाम तलाश करने लगेंगे और पांच पांच जिल्दों में पूरा कलाम शाया करने लगेंगे, तो सैकड़ों हज़ारों प्रोफेसर हज़रात जो अपनी जाहिलियत की रोटियां खा रहे हैं, उन बेचारों की रोजी रोटी का क्या होगा? खुदा के वास्ते कुछ ख्याल कीजिएगा, बस हो गया बहुत कुछ। अच्छा, हैरत होती है कि क्या उर्दू दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अदबी दुनिया कोई खानदान ऐसा है जिसने छह नस्लों से आर्ट की आबियारी की हो? मुस्तर खैर आबादी के इधर देखिए या इधर देखिए, ये नैरेटिव जो है 200 सालों पर फैला हुआ है। हजरत इसकी इजाजत देंगे तो दो मिनट में अर्ज करूंगा। जानिसार अख्तर, उनके वालिद मुस्तर खैर आबादी और उनके खुसर मौलाना फजलिया खैर आबादी, जिनको गालिब मजहबी लोगों से घबराते थे, और एक शख्स को ख़त में लिखा है, तेरा बेटा फ़िका पढ़ रहा है, उसे कहो कमबख्त, फ़िका पढ़कर क्या करेगा, क्यों उसे जाहिल बना रहे हो, कुछ आदमी बनना चाहे तो उसे कहो रियाजी पढ़े, फ़लसफ़ा पढ़े, शायरी पढ़े, तिब पढ़े, नजूम पढ़े। वो फजलिया खैर आबादी, उनकी बेटी, मैं जानिसार अख्तर यानी दो सदियों कहानियों से पीछे की तरफ देख रहा हूँ, अल्लामा फजलिया खैर आबादी मौलाना अरबी के शायर, 4000 अशार फतवे पर दस्तखत किए गदर के, उस पर उनको उम्र कैद नहीं हो सकती थी काले पानी की, झूठा केस उन पर दागा गया किसी के कत्ल का, और जब उनके साथियों ने मुकदमा लड़ा, मैं कहता हूँ ना कि मैं फाइन प्रिंट को बहुत पढ़ता हूँ, ऑब्वियस प्रिंट तो है ही, अब ये फाइन प्रिंट की बात है, जब परवाना राहदारी पहुँचा, मैं उनके मकबरे पर भी गया हूँ वहाँ पोर्ट ब्लेयर में, और समंदर की लहरों के किनारे सब्ज़े में घिरा हुआ एक मज़ार है, चादर से ढका हुआ, जो मर्जाए खलायक है, पेशतर इसके कि परवाना राहदारी पहुँचता सेलुलर जेल में वो इंतकाल फरमा गए। उनकी बेटी
सैयदा बीबी सैयदा तुनिसा निकाह में आई मुस्तर साहब के वालिद से। तो फजलिया खैराबादी, और अच्छा इधर देखिए जानिसार अख्तर, सफिया अख्तर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, अख्तर ही अख्तर, अख्तर का मतलब सितारा, अंजुम, स्टार, और तारा भी और सितारा भी। गोया ये ख़ानदान अख्तर दर अख्तर दर अख्तर। सो अब मुझे मुस्तर की तरफ भी तो आना चाहिए, उसकी भी इजाज़त मांगूंगा, माफ़ी भी चाहूँगा, क्या करूँ। और गालिब से रिश्ता ऐसा अजीब व गरीब, और काम करने वालों ने काम तो कर दिया, हमारे वारसी साहब ने भी, उबैद साहब ने भी, आज़मी साहब ने भी, दूसरों ने भी, उन सब को सलाम। इतनी मालूमात जमा। अच्छा साहब, जानिसार अख्तर साहब का एक मजमून जावेद अख्तर साहब ने ढूंढा 1936-37 का, जो उनके हिंदी शायरी पर है, किसी को मालूम ही नहीं था। एक और तहकीकी मजमून जिसमें सारी उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी दर्ज है। और ताज्जुब होता है कि इधर देखें आप 19वीं सदी में और आप 20वीं सदी में, कोई दूसरा ख़ानदान आप ऐसा किसी ज़बान में नहीं पाएंगे जिसने सब वो है ना आईना क्यों ना तू के तमाशा कहें जिसे, आईना क्यों ना दूं के तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुम सा कहें जिसे। यही मामला मुस्तर खैराबादी साहब का है। और क्या बताऊं, जिन तफज़्ज़ुल हुसैन साहब का जिक्र आया, यानी मुस्तर साहब के वालिद सैयद अहमद हुसैन, सैयद तफज़्ज़ुल हुसैन साहब के साहबजादे थे, और ये कम मालूम है। अच्छा, उनके नाम गालिब के ख़त मिलते हैं, इतना नहीं, वो गालिब के शागिर्द थे। गोया गालिब मौलाना फजल खैर आबादी ने उन दीवान का इंतखाब किया, उनकी साहबजादी इनके निकाह में आई, इनकी दादी, और उसके बाद ये सारी की सारी जो नस्लें हैं। अब मैं आता हूँ कि ये दादरे, ठुमरियाँ, हिंदी शायरी, ख़याल, होरियाँ, बसंत, गीत, इसमें हिंदी शायरी पर एक मज़मून शामिल है जानिसार अख्तर साहब का। मुझे यकीन है हमारी यूनिवर्सिटी वालों को, किसी को तो गैरत आएगी कि उस हिंदी कलाम को भी तलाश करे। तो ये 5 जिल्दें नहीं, संजीव सराफ साहब सुन लीजिए कि एक छठी जिल्द का भी, या नियोगी साहब को उसके छापने का भी एहतमाम करना पड़ेगा। और ताज्जुब होता है हमारी जबान की जो परवरिश हुई है उर्दू जबान की, या गंगा जमनी तहजीब की, वो परवरिश खवातीन ने की है। अनीस का के एक बंद की कटीप का शेर है बड़ा मशहूर, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे, या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे। ये मिसरा लग नहीं रहा था जब घर की खवातीन ने पड़ोसनों को दुआ दी कि तुम्हारी मांग भरी रहे, तुम्हारी गोद हरी रहे, फौरन आए अंदर। ये फिराक साहब ने कहीं लिखा है और मिसरा लग गया, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे, या रब कहाँ से कहाँ पहुँच गया शेर, या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे। सैयदा तो निसा हिरमा तखल्लुस करती थी, और मुझे कयास है, इसका सबूत भी मिल जाएगा, कि वो हिंदुस्तानी संगीत से भी वाकफियत रखती थी। ये तो लिखा है
कि अरबी में भी शेर कहती थी, फारसी में भी, उर्दू में भी, और जो कुछ मुस्तर ने सीखा उनसे सीखा। और अगर मुस्तर ने संगीत की तरबियत पाई और दादरे गाए और ठुमरियाँ गाईं तो ये भी माँ के असर से होगा, क्योंकि माएँ और औरतें ही गंगा जमनी तहजीब की पूरी पूरी तरह से मुहाफिज थी। मर्दों का क्या है, वो तो हमेशा पावर गेम खेलते हैं। हमको जब गंगा की ज़रूरत हुई हम गंगा के साथ हो गए, जब जमुना की ज़रूरत हुई जमुना के साथ हो गए, जब दजले की ज़रूरत हुई फरात की ज़रूरत हुई तो हम उधर हो गए। लेकिन औरतें जिस गंगा जमुनी जिस धरती से जो जुड़ी होती हैं जिस तरह से, उसकी वजह से मुझे इशारा मिल रहा है और मैंने तो अभी शुरू किया है। दो तीन मिनट की इजाज़त है आपके एडी से पूछ लूँ। यानी ये भी दीज टेक्स्ट आर आल्सो संग विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द फादर। लेकिन अब ये चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, छा रही ऊदी घटा, जयराम मोरा घबराए है, या अम्बा की डार जो कोयलिया कूके आई घटा झूम के, या उनका दादरा खुद गाया, बेहतरीन गाते थे और लहन में पढ़ते थे क्योंकि मौसीकी की तरबियत थी। उनके हम वतन रियाज खैराबादी का शेर है, हाय वो नूर की आवाज़, हाय वो नूर की आवाज़ गले पर काबू, बिजलियां आप गिराते हैं हमेशा दिल पर। तो बिजलियां क्यों ना गिराएगा वो शख्स जिसकी तरबियत अपनी माँ की पढ़ी लिखी माँ की आगोश में हुई, जो संगीत से भी खूब वाकिफ होंगी। वरना ये दादरे, ये होरियाँ, ये ख्याल, ये कजरियाँ और ये दोहे और गीत कहाँ से आएंगे। और आप अगर तफसील जानना चाहें, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक मिनट है, वो आप मज़मून जानिसार अख्तर साहब का ज़रूर पढ़िए और संजीव सराफ पर ज़ोर देते रहिए कि इसका इसकी छठी जिल्द ज़रूर शाये होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत कम मालूम है कि मुस्तर की पैदाइश हुई 1869 में, यही साल गालिब की वफात का साल है। गालिब से जो रिश्ता है आपके ख़ानदान का, अगर तफज़्ज़ुल हुसैन उनके शागिर्द हैं तो ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। और चुनाचे एक दिलचस्प गालिब की एक ग़ज़ल भी इसी तरह गुमशुदा हो गई, जिस तरह मुस्तर की ग़ज़ल न किसी की आँख का नूर हूँ जो यहाँ सुनाई गई, न किसी के दिल का करार हूँ। गालिब की एक ग़ज़ल, ज़ुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शमा है दलील सहर सो खामोश है। ये ग़ज़ल जिसका मक्ता है या जिसमें वो नहायत मशहूर शेर आते हैं, लुत्फ़ खराम साकी व ज़ौक़ सदाए चंग ये जन्नत निगाह वो फिरदौस गोश है, या शब को देखते थे कि हर गोश गोशाए बिसात, दामान बाग़बां ये कफ़े गुल फरोश है, दागे फिराके सोहबते शब की जली हुई, एक शमा रह गई है सो वो भी खामोश है। और ये शमा मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार, एक शमा रह गई है बहादुर शाह जफर सो वो भी खामोश है। तो गालिब की इस गज़ल का इंतसाब जैसे मुस्तर की गज़ल का इंतसाब बहादुर शाह जफर से किया गया, अमूमन ऐसा होता है, फ़न ख़ुद बोलता है
और फन फनकार से आगे जाता है। किसी को मालूम नहीं था कि इस गजल का कोई ताल्लुक बहादुर शाह जफर से नहीं है, ना ही गदर से है, जिसको हम पहली जंग आज़ादी कहते हैं। क्योंकि ये गजल जब गालिब 1828 में कलकत्ते के सफ़र पर जा रहे हैं और बनारस में रुक के उन्होंने मसनवी चरागी दहर लिखी है, उससे पहले जब उनका क़याम है मुर्शदाबाद में, ये गज़ल मुर्शदाबाद में लिखी गई, गोया के गदर से 30 बरस पहले लिखी गई। तो अक्सर होता है, काजी अब्दुल वदूद साहब ने एक सीरीज़ लिखी है, इसी पर मैं बात को ख़त्म करूँगा। वो सीरीज़ नकूश में छपती थी, नकूश लाहौर में, और उसका नाम था आवारा गर्दशार। उस सीरीज़ को दोबारा पढ़ना चाहिए, उसमें कई वो शेर जो जावेद अख्तर साहब ने कहे कि उन्होंने कहीं बचपन में सुने थे, या वो तवील तरीन उर्दू की बहर जिसमें उनकी गज़ल है, जिसका एक मिसरा इन्होंने दर्ज किया है। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बस रदीफ ही रदीफ, रदीफ ही रदीफ, रदीफ ही रदीफ। दो साहेब कमाल शख्स थे वो, खुदा की देन का। और बहुत से शेर चूँकि वो तगज़ुल कूट कूट कर भरा हुआ है, और सोज़ो गुदाज और सलासत और रवानी और घुलावट और शीरीनी, ये सब तगज़ुल के अज्ज़ा हैं। ये उन्होंने कहाँ से लिए? अपनी माँ से लिए, और बाद में इन पर जिला की होगी। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं पैगंबर ही मिल जाए, ये मुस्तर का शेर है। अपने अहदे वफा को भूल गए, तुम तो बिल्कुल खुदा को भूल गए। आखिरी उनकी आज़ादगी, और जो ज़माने में गंगा जमनी तहजीब की, जिसको हम हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के अहद में जो सबसे बड़ा सवाल है वो कल्चर की क्राइसिस का है। लेकिन हमारी उस रिवायत में रोशन ज़मीरी की, रोशन ख्याली की, जिससे जावेद अख्तर साहब का ख़ानदान वाबस्ता है, वो कहीं ना कहीं हमारे उस ज़माने के शुआरा में आज़ादा ख्याली यानी दैर व काबा दोनों का ज़िक्र आना ज़रूरी था। ये आखिरी शेर भी सुन लीजिए, ये भी गुमशदा कलाम का हिस्सा है। ऐ इश्क अता कर दे ऐसा मुझे काशाना, जो काबे का काबा हो बुतखाने का बुतखाना। बहुत शुक्रिया।